वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2020 बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। बीते साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से बड़े बड़े अभिनेता अपनी फिल्मों को रिलीज नहीं कर पाए। हालांकि अब नए साल 2021 में हालत थोड़े सुधरने वाले हैं। भारतीय सरकार ने सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत दे दी है और अब साल 2021 में फिल्म RRR धमाल मचाने को तैयार है। जैसा कि हम आपको पिछले रिपोर्ट्स में बता चुके हैं कि राजमौली ने फिल्म RRR को दशहरा में रिलीज करने का प्लान बनाया है और अब राजमौली के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया था कि वह गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म प्रेमियों के लिए रामचरण और जूनियर NTR के दोनों प्रमुख अभिनेताओं की विशेषता वाला एक छोटा टीजर या पोस्टर जारी किया जाएगा। वहीं अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिल्म में अगर टीजर की एडिटिंग में समय लगता है तो निर्देशन कम से कम एक वीडियो बाइट जारी करना चाहते हैं। मतलब कि अगर किसी वजह से टीजर नहीं दिखा पाएंगे तो उस फिल्म का कुछ ना कुछ क्लिप जरूर रिलीज होगा। अब इस खबर के जानने के बाद फैंस रामचरण और जूनियर NTR को साथ देखने के लिए काफी उत्साहित है। बता दें कि अजय देवगन और आलिया दोनों इस प्रोजेक्ट के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करेंगे। श्रिया शरण फ्लैशबैक हिस्से में अजय देवगन की पत्नी की भूमिका में कैमियो रोल में नजर आएंगी। RRR दो लोकप्रिय और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित होगा, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, जहां रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाते नजर आएंगे, वहीं NTR भीम के रूप में नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। Keep watching for more entertainment news and update.